इस वक्त मैं गोबरा नवापारा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर मौजूद हूं और नगर का गौरव पथ जिसे गंज रोड मार्ग कहा जाता है और गंज रोड मार्ग के इस प्रवेश द्वार पर मैं मौजूद हूं और इस गंज मार्ग पर डिवाइडर बनाया गया है। इस डिवाइडर में मरम्मत और सौंदर्यीकरण के नाम पर एक प्रकार से कैसा काला पीला के रंग यहाँ पे पोता गया है मैं दिखाना चाहूँगा। इस प्रवेश द्वार से ले के दीनदयाल उपाध्याय चौक से ले के पंजवानी चौक तक के पंजवानी चौक से थोड़े आगे दूर तक ऐसा ही डिवाइडर बनाया गया है जिसमें नगर पालिका के द्वारा कुछ ही माह पूर्व आज से करीबन 5-6 महीने पूर्व इसमें रंग रोगन किया गया था सौंदर्यीकरण के नाम पे काला पीला। अब काला पीला का शाब्दिक अर्थ ही समझ सकते हैं कि काला पीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसमें रंगाई पोताई जब किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि कार्य की गुणवत्ता आप देख सकते हैं। आप स्वयं ही, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसकी गुणवत्ता के बारे में बताऊँ, लेकिन आप स्वयं इसकी गुणवत्ता का आकलन आप स्वयं ही कर सकते हैं किस प्रकार से शासन के द्वारा आए राशि का किस प्रकार से दुरुपयोग या फिर ठेकेदार के द्वारा कैसा किस प्रकार से किस गुणवत्ता के साथ यहाँ पे काम किया जाता है। ये आप स्वयं इस नगर के विकास कार्य में जो कार्य हुए हैं उसका आप अवलोकन स्वयं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ का जो पपड़ी है वह पूरी तरीके से उखड़ने लग गया है और कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि जो पूर्व में जो रंगाई पोताई किया गया था वह अभी भी हम नज़र आने लग गए हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ ये जो लाल रंग आपको दिख रहा होगा ये लाल रंग जो है पूर्ववर्ती जो यहाँ पे पूर्ववर्ती पंचवर्षीय में इसे रंगाई पोताई किया गया था लेकिन अब ऐसा गुणवत्ता इसकी आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस गुणवत्ता के तहत यहाँ पे काम किया गया है। साथ ही आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से इस मार्ग पर प्रतिदिन नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका के CMO, नगर पालिका मुख्य अधिकारी यहाँ से आना जाना और इस मार्ग पर प्रतिदिन उनका आना जाना लगा हुआ रहता है। साथ ही कई बार हफ्ते में या महीने में कई बार इस मार्ग पर क्षेत्र के विधायक माननीय धनेन्द्र साहू जी का भी इस मार्ग पर आना जाना लगा रहता है। लेकिन क्या जनप्रतिनिधि नगर पालिका के अधिकारी इसमें गुणवत्ता के नाम पर कैसा कार्य किया गया है इस ओर ध्यान न देना एक प्रकार से सोचने और समझने वाली बात है। तो मैं चलिए हम जानना चाहेंगे कि नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO का क्या कहना है इस मामले पर। सर, नगर पालिका अंतर्गत जो डिवाइडर में सौंदर्यीकरण के लिए काला और पीला रंग में पोता गया है वो अभी से उखड़ने लग गया, इस पर आपका क्या कहना है? मेरी संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है, अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो मैं सप्ताह भर के अंदर उसे पुनः रिपेयरिंग करा दूंगा क्योंकि उसका SD हम लोग रोक के रखे हैं अभी। जी सर, उसका कब से यह कार्य प्रारंभ में था? ये उनको 28/7/2022 को हम लोग कार्यादेश दिए थे जुलाई में। जी जी, उसके बाद एक महीने के अंदर तो काम कंप्लीट हो ही गया है वो। जी जी सर, कितने की लागत में वहाँ पे रंगाई पोताई गया? अबाउट 3 लाख रुपए की है। जी जी सर, आप जैसे कि देख रहे हैं कि उसमें कार्य में गुणवत्ता आपको क्या हीन पाया जाता है या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, कार्य में गुणवत्ता तो है लेकिन पेंटिंग है तो कहीं कहीं से उखड़ गया है वो। जी, उसको रिपेयरिंग करा लिया जाएगा। ठीक है सर, कब तक वैसे रिपेयरिंग करा लिया जाएगा? बस कल से हम ठेकेदार को बुलाकर समझाइश देंगे कि जहाँ जहाँ पे ऐसा स्थिति बन रही है थोड़ी मोड़ी जो भी उखड़ी हुई है जी उस पेंटिंग को तत्काल करें। जैसे कि नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि यह कार्य महज जुलाई में इसका कार्य प्रारंभ हुआ है, साथ ही इस कार्य को लेकर अभी मात्र 5-6 महीने ही हुए हैं और इस कार्य की गुणवत्ता आप समझ सकते हैं। इसमें करीबन 3 लाख के आसपास इसमें लगा हुआ है इसके मरम्मत और सौंदर्यीकरण के नाम पर, मगर इसकी कार्य की गुणवत्ता आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही CMO नगर पालिका मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा कहा गया है कि अगले 1 सप्ताह के भीतर इसमें पूर्ण
इसका कार्य करवाया जाएगा और जहाँ भी ऐसा कुछ पपड़ियाँ उखड़ी हैं उसको फिर से निर्माण कार्य कराया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ पे हाईवा यहाँ से गुजर रही है, जबकि कुछ ही समय पूर्व यहाँ पे दुर्घटना हुआ था, लेकिन अभी तक के प्रशासन के लोग इस पर चुप हैं और न ही किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं की जा रही है। मैं फिर से इस मुद्दे पर आता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। साथ ही नगर पालिका के मुख्य अधिकारी का कहना है कि इस ओर हम बिल्कुल ही इसका जीर्णोद्धार करेंगे और फिर से निर्माण कार्य करेंगे। साथ ही ऐसे निर्माण कार्य में किस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा शासन को चूना लगाया जाता है ये आप स्वयं देख सकते हैं। साथ ही इस कार्य में आम जनता के टैक्स के पैसे से यहाँ पे निर्माण कार्य किया गया है, लेकिन इन टैक्स के पैसे का किस प्रकार से ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य किया जाता है यह एक प्रकार से सोचने वाली बात है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि हाईवा अभी भी निकल रहा है, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन नगर पालिका प्रशासन के लोगों को भी बार बार मैं अवगत कराना चाहूँगा। अभी कुछ ही सेकंड ही हुए हैं और यहाँ पे दो हाईवा यहाँ पे आना जाना कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपसी मिली भगत के चलते यहाँ पे हाईवा अभी रात के 10 बजे हैं और करीबन 6-7 बजे होंगे और यहाँ पे हाईवा गुजर रही है, तो आप समझ सकते हैं। खैर मुद्दे से हम हटकर अपने मुद्दे पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे कार हुआ है। आप समझ सकते हैं कि अब देखना ये होगा कि नगर पालिका के द्वारा क्या इसकी मरम्मत जो एक हफ्ता का उन्होंने कहा है कि सीएमओ का कि एक हफ्ते के भीतर इसका मरम्मत का कार्य फिर से किया जाएगा और इसका पुनरुद्धार किया जाएगा, लेकिन ठेकेदार क्या कार्रवाई की जाती है यह सोचने वाली बात होगी। तो धन्यवाद, आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़ और मैं हूँ नागेंद्र।